So hey guys, it's me Utkarsh and you are most welcome to my channel Parrots Alyssa. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने पैरेट को क्या खिलाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बर्ड का जो वाटर डिस्पेंसर है वो हमेशा क्लीन क्लियर वाटर से फिल होना चाहिए, और वाटर भी आपको सीजन के अकॉर्डिंग देना है। आप समर में नॉर्मल वाटर दीजिए, और मॉनसून और विंटर में आप ल्यूक वार्म वाटर दे सकते हैं, जिसे गुनगुना पानी कहते हैं। आप अपने पैरेट को 3 टाइम फूड दे सकते हैं। फूड भी आपको सीजन के ही अकॉर्डिंग देना है। अगर आप सीजन वाइज वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पैरेट फूड वीडियोज बनाई हुई है, आप वहां से भी जाके उसे देख सकते हैं। समर के टाइम में बर्ड्स की डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक वैरायटी ऐड करना होता है, और वैसे ही विंटर के टाइम में नट्स और ग्रेन्स का वैरायटी हमें ऐड करना रहता है। समर के टाइम में आप अपने बर्ड्स को सुबह सुबह 7 बजे के करीब आप स्प्राउट्स दे सकते हैं। स्प्राउट्स में चना, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन सीड्स, ये सब चीजें हो सकती हैं। आप इन्हें रात को भिगोइए और सुबह उसे अच्छे से साफ करके बर्ड को दे दीजिए 6-7 बजे के करीब। ये आपके सुबह का डाइट हो सकता है। दोपहर में 12 बजे के करीब आपको बर्ड को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देनी चाहिए, क्योंकि उस समय उन्हें वाटर की ज्यादा जरूरत होती है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वाटर कंटेंट भी होता है। और फिर रात को 6-7 बजे के करीब आपको बर्ड्स को नट्स और सीड्स देने चाहिए, क्योंकि सीड्स और नट्स वार्म होता है तो वो रात भर बर्ड को वार्म रखेगा। विंटर और मॉनसून के टाइम में आप अपने बर्ड्स को सुबह सुबह सीड्स प्रोवाइड करिए, क्योंकि सीड्स वार्म होते हैं जिनसे उनके शरीर में गर्मी पैदा होगी। और दोपहर के टाइम में आपको बर्ड को स्प्राउट्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देना है, जिससे वाटर कंटेंट भी उन्हें मिलता रहे, और फिर नाइट के टाइम में उन्हें आपको फीड फिर से सीड्स ही देने हैं। आप अपने बर्ड्स को स्मॉल अमाउंट में रोटी भी दे सकते हैं। तो रोटी देने के लिए आपको सबसे पहले रोटी को सोक करना होगा वाटर में, और उसके बाद आपको उसे बाहर निकालना है और उसे अच्छे से मैश करना है, जिससे उसके अंदर का सारा वाटर निकल जाए। उसके बाद फिर आप उसे अपने बर्ड को दे सकते हैं।